स्टूडेंट वी टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस टुडे वी डिस्कस ऑन द सेपरेशन व्हाट इज द सेपरेशन सेपरेशन दैट इज द अलग करना हिंदी का मतलब द अलग करना तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट पर उठता है कि सेपरेशन क्यों किया जाता है क्यों जरूरी है आप देखिए कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं हम लोग हमेशा से जरूरत पड़ता है जैसे कि अगर सपोज दैट कि आपको पोहा खाने के लिए मिला तो पोहा में देखिए किसी लोग को बादाम पसंद नहीं है तो वो क्या करेंगे बादाम को अलग करेंगे चलो कुछ किसी को मिर्चा पसंद नहीं है मिर्चे को अलग करेंगे तो ये क्या हुआ कि हम लोग अपने हिसाब से यानी कि जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको अलग करते हैं चाय पत्ती को देखिएगा जो हम लोग चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या चाय पत्ती डाल के बनाते हैं तो क्या चाय पत्ती के साथ पी जाते हैं नहीं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं छन्नी का इस्तेमाल करते हैं डालेंगे फिर उसको निकलेगा ठीक है जूस बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि वहां भी हम लोग क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल हम लोग वही करते हैं कि उसमें जूस बनाने में उसका जूस बनने के बाद उसका जो पल्पी होता है उसको अलग कर देते हैं उसका जो वाली जूस जो होता है उसको हम लोग पीते हैं कहने का मतलब कि जीवन में और भी उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेशंस बहुत नीड्स है घर में अपने घर में खाना बनता होगा तो या आपके घर में जो सब्जी आता होगा तो क्या सब सब्जी खा जाते हैं ऐसी खा जाते हैं नहीं कहने का मतलब अगर कोई भी चीज अगर आपके घर में खाने का बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए घर में मम्मी उसमें कंकड़ चुनेगी निकालेगी ठीक है वो हो गया अब बरसात के समय में अब और देखिए अगर सूजी में कीड़ा उड़ा लग जाता है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं चलनी से अलग करते हैं अगर आप गांव देहात में अगर जाते होंगे या देखे होंगे वहां भी क्या होता है कि हर चीज को हम लोग अलग करते हैं जो जरूरत का चीज है उसको रखते हैं और जो बेजरूरत चीज को हम अलग करते हैं कहने का मतलब कि द डेली लाइफ वी मस्ट बी सो मेनी प्लेसेस द नीडेड टू सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज़ दे आर द डिपेंड ऑन द डिजायर पर डिजायर के अनुसार अपने अपने इच्छा के अनुसार हम लोग उसको क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं अगर इसलिए भी चेंज करते हैं जिससे क्या होगा कि जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमको मिले जो चीज ना चाहे उसको हमको ना मिले ये कहने में उसको अलग करना जरूरी होता है तो अब देखिए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ऑन द व्हाई द नीड ऑफ सेपरेशंस तो पहले हमने बता दिया और टाइप ऑफ सर व्हाट इज द टाइप्स व्हाट इज द रूल्स दैट फॉर द सेपरेशन द सब्सटेंस तो जितने भी सब्सटेंस है वो सबको एक ही तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है आप देखिएगा अगर आपके सूजी में कीड़ा लग जाएगा तो हाथ से निकाल पाइएगा सारे को निकालना बड़ा मुश्किल काम है ठीक है अगर आपको कुछ ऐसा चीज जो होता है जैसे कि अगर आपके तेल अगर से पानी में तेल चला गया तो तेल को पानी को कैसे अलग करेंगे उसका अलग सिस्टम है नमक जो है आपका उसको कैसे अलग करेंगे बालू अगर पानी में अगर आ गया तो उसको कैसे अलग करेंगे ये कहने का मतलब देयर इज अ डिफरेंट वे टू सेपरेट द सब्सटेंस तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसी चीज में तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड वे द सॉलिड केस हम लोग सेंस में भी बात करेंगे सॉलिड जो चीज हो तब हम लोग कैसे करेंगे लिक्विड का अलग सिस्टम होता है हम सॉलिड पर भी बात करेंगे तो देयर द इन दिस चैप्टर वी स्टडी ऑन द फोर वे हैंड पिकिंग थ्रेसिंग विनोइंग एंड सेविंग दे आर द फोर वे वी सेपरेट द सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस को अलग करने का ये चार तरीका हैंड पिकिंग पहला दूसरा थ्रेसिंग तीसरा विनोइंग और सेविंग ये चार तरीके होते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग जो होता है हैंड मतलब समझते हैं हैंड मतलब हाथ और पिकिंग मतलब पकड़ना मतलब हैंड पिकिंग मतलब क्या होता है कि हाथ से पकड़ पौधे को अलग करना है कह रहे बोले देखिए दे द यूज ऑफ दिस टेक्निक फॉर द स्मॉल अमाउंट है ना ऑफ द सब्सटेंस छोटे कम मात्रा में को हम लोग क्या करते हैं हाथों से अलग करते हैं जैसे कि घर में मम्मी अपने खाना बनाती होगी तो देखिए जो आजकल तो गांव देहात में अगर चावल आता होगा तो देखिए उसमें ज्यादा कंकड़ पत्थर मिलते हैं आजकल तो अच्छे कंपनी के मिलकर उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी जो गांव देहात से आता है उसमें क्या ज्यादा कंकड़ पत्थर होता है उसको देखिए हाथों से अलग किया जाता है ठीक है
तो वो ये जो तरीका होगा, यानी कि द वेन द सब्सटेंस इज सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ द हैंड, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, इसको हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। तो समझ में आया, यानी कहने वाले ये छोटे सा पाप, यानी कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं हेप है तो उसमें ढेर ऐसे, उसको तो करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं खेती बाड़ी में, आप देखेंगे कि जो अभी अब धान पकने वाला है और उसको जो है कि धान का जो बीज है, धान जो है उसको अलग करना है उसके पुआल से, तो इसके लिए हम लोग थ्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसको थ्रेसर मशीन ही कहते हैं। आप रामानुजगंज में रहते होंगे तो देखे होंगे, आपके कुछ जरा सा गांव में जाएंगे तो आपको थ्रेसर अभी चलते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा चालू है वो सब थ्रेसर। अब तो पहले था थ्रेसर जो करने के लिए हम लोग धान का, तो ये मक्का को भी अलग करने का थ्रेसर मशीन आ गया है। यानी कहने का मतलब थ्रेसर मशीन जो इसका इस्तेमाल करता है, जिससे कि ज्यादातर इस्तेमाल हो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वी यूज द थ्रेसर मशीन्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर सेपरेशन, उसको हम लोग अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने दो जो है विनोइंग और सीविंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।